इसकी व्लॉग बनाते हुए फुल हालत टाइट है। ऐसे ही ओटीज आए हैं, सबका एक्सेंट बदल गया। तो हम ढाबे पे दाल खाने वाले लोग हैं, इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाने की आदत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, बहुत लंबे अरसे के बाद हुज़ैम खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ और आज सैटरडे है। वीकेंड पे लाहौरियों का एक शुगल ये होता है कि वो लाहौर का रवायती नाश्ता करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो इसलिए हम भी आज निकलें। हम आज नाश्ता करने के लिए जाएंगे बाहर। हम दो तरह के नाश्ते ट्राई करेंगे, एक रवायती और एक थोड़ा इंग्लिश टाइप। और इस व्लॉग के अंदर मेरे साथ होंगे जवाद, हमज़ा और हारिस। तो बस अभी हम व्लॉग के लिए निकलने लगे। इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं हारिस को पिक करने के लिए। हमज़ा हमारे साथ है, जवाद हमारे साथ है। अभी हारिस आएगा तो हम देखेंगे कि आगे हमारे नाश्ते का कहाँ। आई थिंक सो हारिस की कॉल आ गई। वार्म ब्रो, हारिस इज हियर। मेरा जरा अचानक ना पानी आ गया, मैं अचानक ना नहा लाते हैं। सो हारिस इज हियर और अब हम निकलते हैं अपने नाश्ते के लिए। कैश निकलवा लिया है और अब हम करवाने लगे हैं रिफ्यूलिंग, और रिफ्यूलिंग के बाद हम चलेंगे अपने अगले सफ़र की तरफ। इनके पास जाके शीशा नीचे करनी। हाँ फ्री हो गए हो? इस वक्त हम किनाल पे हैं और पहला हमारा प्लान था कि हम जाएंगे नारकली वाली साइड पे वारिस निहारी खाने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा मूड नहीं बन रहा तो पूछते हैं इनसे भी कि ये क्या खाना चाहते हैं। हाँ भाई हारिस, क्या सीन है, बता क्या खाना है? नाश्ता करना चाहते हैं। नाश्ते में क्या? मोते के चने, मोते चने, मोते। ये दरअसल ना सोया उठा तो इसे समझ नहीं आ रही। वो समझ रहा हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, नाश्ता ही करने जा रहे हैं। कुछ भी खिला दो हम चल जाएगा, कुछ भी खिला दो। हमजा क्या सीन है, किधर चल रहे यार? मैं तो कहता हूँ बच्चे के पास चलते हैं यार, मोते के चने खाते हैं ना। गड़ी शाह वाली साइड पे हम कनाल पे सीधा वहीं पे उतरेंगे जाके चने खाते। तो ठीक है, अभी हमारा डिसाइड ये हुआ है कि हम जा रहे हैं गड़ी शाह वाली साइड पे, पाए के चने वहाँ सब मिलेगा, पाए वगैरह वो हम उनसे जाके पूछेंगे उनका मेन्यू वगैरह। पाए का नाम इसलिए लिया कि कह रहा तुम गरीब लगेगा। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी है इसकी। तो अभी हम जा रहे हैं मोते के चने खाने। हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं घोड़े शाह के इलाके में। हम गलियों के अंदर फिर हैं, गलियाँ आहिस्ता आहिस्ता तंग होती जा रही हैं। हम खुद पहली दफ़ा जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि कार पहुंचेगी या नहीं, लेकिन लेट्स सी कि क्या बनता है। फाइनली बहुत मुश्किल से इन प्रीक गलियों से गुजरते हुए हम बोते पे पहुंच चुके हैं। अब लेट्स सी के रश तो काफ़ी नज़र आ रहा है, अब लेट्स सी के कितना का खाना पड़ा हुआ। देख सकते हैं चने लगातार निकल रहे हैं, पैक भी हो रहे हैं, यहाँ पे फुल एम्बियंस पे रश लगा हुआ है। अब सीन ये है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या मंगवाएं, क्या खाने में। मुरल चने, मुरल चने, 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 मुरल चने ले आओ। कितने हाफ या फुल? हमारे भी चने आते हैं तो हम भी देखते हैं कि हम इस रिव्यू के साथ एग्री कर रहे हैं या नहीं। हमें तो कुछ भी खिला दो, टेस्ट से क्या खाना है हमने। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? फिलोसफर साहब बता रहे हैं इतने दूर आए हैं तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा।
सारे चने यहाँ पे आ गए हैं, अब हम शुरू करने लगे हैं। देखने में अच्छे लग रहे हैं लेकिन चने के ऐसी चीज़ें को आप लुक वाइज जज नहीं कर सकते, टेस्ट वाइज जज करेंगे। अभी ये तीनों ट्राई करेंगे, फिर मैं ट्राई करूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है, उसके बाद हम सारे इसका रिव्यू भी देंगे। तो अब मैं ट्राई करने लगा हूँ। ओए ओए यार, नहीं टेस्ट बुरा नहीं है, टेस्ट अच्छा है, डिफरेंट टेस्ट है। काली मिर्च के लिए एक मिनट, काली मिर्च के अंदर से तूफान एक फट रहे हैं ना मुंह के अंदर, वो हो रहा है, लेकिन अभी टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बुरा नहीं है। ये जवाहर ने लस्सी मंगवाई है, जवाहर साहब बताओ लस्सी और बताओ क्या टेस्ट है। बस ठीक है, अच्छी है, अच्छी है। मैं रिव्यू दूंगा नहीं, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਮੋਤੇ ਦੇ ਚਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਲ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਸੀਬ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਜਿਆਮਤ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਕਰਾਚੀ ਹੋ ਸੋਦੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੇ ਕੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਥਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੇ ਜੀ ਤੋਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਪਾਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। तो हम अपना पहला देसी नाश्ता करके आ चुके हैं, अगली डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि हम रिव्यूज़ दे दें आपको इस नाश्ते के बारे में, ताकि हमारी थीम ये है कि हमने नेक्स्ट नाश्ता वेस्टर्न करना, थोड़ा इंग्लिश नाश्ते करने का सीन है, फिर हम उसको कंपेयर करके आपको बता देंगे। तो सबसे पहले जो आज कैसे लगा यार? यार नाश्ता बहुत बेसिक चने थे, लेकिन जितना रश था ना उसकी हाइप ही है, खास इतने चने नहीं है, स्पेशल आप इतनी दूर से वो चने खाने थे, तो ओके थे, गुड था, कुछ भी मिल जाए तो वो ओके वाला सीन। हाँ यार, चने पता कैसे थे? हाँ, चने मज़े के नहीं थे। क्यों? मज़े के भी थे, मुझे पता ही नहीं लगा यार, मेरा टेस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं कैसे अभी बताऊँ। तू बीमार है? हाँ, तो टेस्ट बड्स खराब है। हाँ, हम जो टेस्ट यार नॉट बैड, अच्छा था, लस्सी अच्छी लगी मुझे, बहरहाल बाकी चने भी बस ठीक थे, एवरेज कह सकते हैं, कंपेयर टू अगर बुलंदशिया वगैरह के करें तो कितनी देर तक जब मैं बाइट लेके आता हूँ ना, जो काले मिर्च का एक पर्टिकुलर टेस्ट था ना, वो हर थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं ब्रश होता था मुंह के अंदर, तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब हम जा रहे हैं गुलबर्ग में एमएम आलम वाली साइड पर, वहाँ जाके देखते हैं हमने क्या इंग्लिश ब्रेकफास्ट। मैं नहीं जानती, तो अब अपने सेकंड पॉइंट के लिए हम आए हैं ओडीज पे, और यहाँ पे अभी ऑर्डर हम देखते हैं, एम्बियंस ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा है। इसकी व्लॉग बनाते हुए फुल हालत टाइट है, इसकी टाइट है, मैं तो ये लोग आई एम चिल, आई एम चिल टू। जैसे ही ओडीज आए सबका एक्सेंट बदल गया, सब पिंडे से ऐसे बर्गर बन गए हैं कि इनकी उर्दू भी नहीं निकल रही। हां जी, पिंडा चारा खान वाला की होया, इथे आवे तो की बने, कैसी जगह लगी है? अच्छी जगह देना। नहीं नहीं, अभी खाएंगे कुछ तो फिर देंगे ना। एक अभी फिलहाल यही करते हैं, अभी ये मीठे पान लेते हैं। तो ओडी बीच प्लस टू कूलर्स वाली डील है।
हमारी पहली दो आइटम्स आ चुकी हैं जो कि डोनट्स। जो आज ये कौन से हैं? प्लेन चॉकलेट डोनट है और एक है लोटस चीज केक डोनट। सही है, अभी ट्राई करेंगे तो फिर पता लगेगा कैसे। डोनट्स के बाद हमारी दूसरी आइटम आ चुकी है जो आज तक क्या है? ये जो है ये इलेक्ट्रिक कूलर है और ये है पीची मैन। सही है, और हमारी थर्ड आइटम्स भी आ चुकी हैं जो आज क्या क्या है? ये जो है ये श्रेडेड बीफ है और ये स्पाइसी पाकिस्तानी और हमारी फाइनल आइटम में पहुंच चुकी है जो तो सबसे पहले ज्वार ट्राई कर रहे हैं। ये तो आवे नहीं था। नमक और काली मिर्च में बनी है, बेसिक है। इंग्लिश खाना ना मसाले नहीं है, मसालों वाले ट्राई करो। हाँ क्या चीज है सर? रिव्यू तो दे। अब जिंदाबाद में मशहूर मजा ही आ गया। अच्छा तो हाँ बीफ कैसा है? या मैं वो बंदा हूँ जो टेस्ट को फील करता है, ठीक है। अब सीन ये है कि स्टेक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बीफ वाला पर्सन नहीं हूँ, लेकिन बीफ इज गुड। साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है ना इसके साथ, समझ गया यार, स्पाइसी ज़्यादा हो। लेकिन स्टेक हमेशा मीडियम रेयर होता है, ये वेल डन है। हाँ हाँ बहुत चुई है, चुई चबाया नहीं जा रहा। हेलो जी, तो दोनों नाश्ते ट्राई करके हम वापस आ गए हैं। वहाँ पे हम रिव्यू नहीं कर सके, बस हमें जल्दी में निकलना था। तो अब हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं सबसे पहले जवाद से। जवाद रिव्यू शुरू करो, क्या चीज़ थी सबसे पहले वहाँ पे जो ट्राई की है? जो सबसे पहले खाई थी वो थी एग्जेंट स्टेक्स, तो इतना ख़ास नहीं था, फीका फीका था। और वो जो बीफ था वो भी बड़ा सख्त था क्योंकि वो वेल डन कुक हुआ था, मीडियम रेयर स्टेक होना चाहिए वैसे। उसके बाद जो हमने खाया था श्रेडेड बीफ, वो मज़े का था। उसमें बारबेक्यू सॉस थी और कैरमलाइज्ड अनियंस थे, ब्राउन ब्रेड के अंदर बना हुआ था, वो ज़्यादा मज़े का था। फिर हमने खाया ओडी सैंडविच, उनका स्पाइसी पाकिस्तान में, वो भी कोई ख़ास नहीं था। क्रोसॉन के अंदर उन्होंने बस चिकन डाल दिया था और बंद गोभी ऊपर डाल दी थी, वो इतना मज़े का नहीं था। तो उसके बाद जो थी डोनट्स थी दो, हमने एक लोटस चीज़ केक मंगवाई थी और एक प्लेन डोनट मंगवाई थी। दोनों डोनट्स मज़े की थी बट जो स्वीटनेस थी वो ओवरलोडेड थी, मतलब मैं इतना मीठा खाता नहीं तो शायद इसलिए, लेकिन वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक थी बट इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आई। दो बशिंदे हमारे ऊपर खड़े, इनसे पूछना है। हमजा, हाँ भाई, वहाँ पे सारा हमने ट्राई किया, क्या सीन है? यार सब कुछ अच्छा था, बस वो श्रेडेड वाला था ना, जो क्या था वो, श्रेडेड बीफ, श्रेडेड बीफ वाला मुझे अच्छा लगा। और वो जो चीज़ वाला डोनट सा था डैट वॉज़ फाइन, टेस्ट उसका बहुत ही अच्छा था। वो सबसे मैं कैटेगरी वाइज ऊपर ही सबसे रखूँगा उससे। बाकी ओवरऑल रेटिंग की अगर बात करें तो वो तकरीबन लाइक 7 और 7.5 समथिंग। हारिस, या ब्रो, जय क्या रिव्यूज दे दिए साहब इस बारे सर, ओवरऑल के क्या-क्या खाया और क्या अच्छा लगा? यार जो हमने पहले ना क्या उसे कहते हैं मोतीचूर के खाए हैं ना चने, मोतीचूर मोते के चने वो भी ठीक थे, ठीक है, एवरेज थे। और उसके बाद जब हम गए हैं लाइक ओडेज, तो उधर था यार हमने सबसे, मैंने तो जो ऑर्डर किया था वो था मेरा प्लेन डोनट था, और उसके बाद लोटस चीज में भी था, मैंने ये डेजर्ट में मैंने ऑर्डर किया था। बाकी जो तुम लोगों ने किया था उसमें था जर्नी श्रेडेड बीफ, वो अच्छा लगा था, वही था बस खाने वाला। बाकी सर ओडी सैंडविच सर, पैसे फजूल सर जी, मेरे को ना पैसे ले लेना, डोनट नहीं सर जी, ना पैसे देते ही नहीं हले मेरे लागे सारे देते हैं वापस कर। अच्छा यार सीन ये है कि अगर हम इसकी बात करें ओडीज की, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ट्राई की थी वो थी एग एंड स्टेक। यार एग एंड स्टेक ऑनेस्टली बताऊँ नहीं सही था,
स्टेक अच्छा नहीं बना हुआ था और बिल्कुल बेसिक था. अब ओबियसली क्योंकि वो इंग्लिश काइंड ऑफ चीज़ है तो वो इतना स्पाइसेस यूज़ नहीं करते वहाँ पे. स्पाइसी हम देसियों को स्पाइसेस की आदत होती है तो उसमें इतनी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे. अब दूसरी बात अगर हम ट्राई करें वो जो सैंडविच था वो कौन सा था, शेडेड बीफ सैंडविच अच्छा था. मैं नॉर्मली बीफ ट्राई नहीं करता, बीफ प्रोडक्ट्स भी नहीं ट्राई करता कुछ भी, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ बनी हुई थी, मुझे मज़े का लगा. ड्रिंक्स अच्छी थी. लेकिन पाकिस्तानी किसी एक टिक्का टाइप काइंड ऑफ फ्लेवर मसाले का टेस्ट उसमें से जरूर आ रहा था. अगर डोनट्स पे आ जाए तो चीज केक वाला बहुत मजे का, उसका चीज मजे का था, थोड़ा सा ज्यादा मीठा था ऊपर से, बाहर चीनी बहुत ज्यादा थी, और जो प्लेन चॉकलेट था वो बेसिक था, मजे का था, खाने में मजा आ रहा था. अच्छा जी, तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में. आ जाओ भाई जान, जो कभी जिंदगी में 100 साल बाद आएगा.